डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की एक बहुत ज्यादा अहम खबर मेरे उन सब भाई दोस्तों के लिए तो इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से यूएई के अंदर आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो उस हवाले से ये न्यूज एक आई है, ये न्यूज मैं कह सकता हूँ कि उन सब के लिए एक वार्निंग है किस्म की जो नए यूएई के अंदर जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं। इस न्यूज में क्लियर यह बताया गया कि आने वाले दिनों में यूएई के अंदर इन कंट्रीज के लिए जॉब मजीद कम हो जाएंगी। क्यों कम होंगी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो इसके अंदर बयान किया गया है कि ये लोग जितने भी आ रहे हैं ये खुद को अपडेट नहीं कर रहे, ना एजुकेशन के हवाले से ना हुनर के हवाले से। आपको जैसा कि पता है कि अभी IT टेक्नोलॉजी मनसूई ज़ियादत और जदीद नेटवर्किंग बहुत सी, यानी कि जितना भी रोबोटिक निज़ाम है यूएई के अंदर और इसके मतलब बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत से हुनर हैं, बहुत सी एजुकेशन है जो लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन तो यूएई के अंदर तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जिस नई टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी तो है मंसूर ज़ैनत, वो बहुत से बंदों की जॉब्स की जगह कवर किए जा रही है। इसलिए अगर आप आ रहे हैं फिर पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो कोशिश करें मेरे भाई कि आप ये न्यू टेक्नोलॉजी के मतलब हुनर सीख के आएँ, या कम से कम तो आपकी एजुकेशन है IT है या AI तो मंसूर ज़ैनत है, इसके मतलब का तो एजुकेशन है या जो डिग्रीज हैं उन पे फोकस करें, ना कि आप वो पुराने आज से घसे पुसे तो IT के कोर्स हैं वो करके आ जाएं, टैपिंग के कोर्स करके आ जाएं कि आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये एक न्यूज़ आई थी यूएई के न्यूज़पेपर खरीज टाइम के अंदर। अगर आप पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी और लेफ्ट राइट भी मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ सकते हैं कि आया इसके अंदर क्या पूरी डिटेल है।